नमस्कार, गुड मॉर्निंग, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? मैं हूं आपकी दोस्त कृतिका मिश्रा। कहते हैं कि सुबह सुबह ठहाके मारकर हंसना सेहत के लिए अच्छा होता है। फिर आज तो लॉफ्टर क्वीन भारती सिंह का जन्मदिन है। खुश रहना है तो दिल खोलकर हंसिए जनाब। तो चलिए आज के दिन की शुरुआत करते हैं आज के इतिहास के साथ। 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद 3 जुलाई 1972 को शिमला समझौता पर हस्ताक्षर हुए। भारत इस युद्ध में जीत गया था और इस समझौते के बाद हमने पाकिस्तान के 90,000 सैनिकों को वापस किया था। इस समझौते को लेकर आज भी बहस होती रहती है कि जो युद्ध हम मैदान में जीते थे शायद उसे समझौते की टेबल पर हार गए। खैर, आज ही के दिन 2006 में भारतीय क्रिकेट टीम ने बड़ा कमाल किया था। कैरेबियाई द्वीप यानी वेस्ट इंडीज पर 35 साल बाद भारतीय क्रिकेट टीम ने पहली बार जीत दर्ज की थी। चलिए शुरुआत करते हैं सकारात्मक समाचारों की। ये हमारे लिए गौरव की बात है कि संगीत सम्राट तानसेन की नगरी ग्वालियर को क्रिएटिव सिटी ऑफ म्यूजिक का दर्जा मिलने जा रहा है। इसका प्रस्ताव भारत सरकार ने यूनेस्को भेज दिया है। इधर प्रदेश को एक और बड़ी सौगात मिलने जा रही है। कोरोना की दूसरी लहर में ऑक्सीजन की कमी के चलते अपनों ने अपनों को खोया, लेकिन राहत की बात यह है कि प्रदेश सरकार कोरोना से निपटने के लिए इंदौर संभाग को बड़ी सौगात देने जा रही है। आज सीएम शिवराज सिंह चौहान 11 अस्पतालों में बने ऑक्सीजन प्लांट का लोकार्पण करेंगे। साथ ही सीएम 25 और अस्पतालों में बनने वाले ऑक्सीजन प्लांट का भूमि पूजन भी करेंगे। दुनिया में सबसे बेहतरीन चॉकलेट्स के लिए चर्चित बेल्जियम में कुछ अनोखा होने जा रहा है। क्या है कि वहां भी कोरोना वैक्सीनेशन शुरू हुआ है। ऐसे में यूथ को अट्रैक्ट करने के लिए वैक्सीनेशन कैंप के पास ही डीजे शो शुरू कर दिया गया है। मजेदार बात यह है कि यूथ तो यूथ, बुजुर्ग भी थिरक रहे हैं। काश कोई हमारे यहाँ कम से कम बेल्जियम चॉकलेट ही ऑफर करने लगे, फिर देखना वैक्सीनेशन के लिए हम यूथ की भीड़ को। इधर रेलवे कई स्टेशनों पर ट्रेनें नए सिरे से शुरू कर रहा है। ये ट्रेन्स कोरोना के कारण बंद की गई थी। द सूत्र आपसे रिक्वेस्ट करता है कि अब भी कोरोना का खतरा टला नहीं है, जरूरी यात्रा हो तो ही करें। और हाँ, मास्क, सैनिटाइजर और 2 गज की दूरी का ध्यान रखना बिल्कुल ना भूलें। क्या आप राम लोटन कुशवाहा को जानते हैं? अरे वही जिनका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में पिछले सप्ताह ही किया था। सतना जिले के राम लोटन कुशवाहा जी ने अपने खेत में ही देसी म्यूजियम बनाया है। इस म्यूजियम में उन्होंने सैकड़ों औषधीय पौधे और बीजों का संग्रह किया है। उचेहरा ब्लॉक के गाँव अतरवेदिया में रहने वाले 64 साल के राम लोटन कुशवाहा के खेत में करीब 250 दुर्लभ औषधियां मौजूद हैं। इनमें 12 प्रकार की लौकियां और गाय के मुंह के आकार का बैगन भी शामिल है। कुशवाहा के खेत में सिंदूर, अजवाइन, शक्करपत्ती, जंगली पालक, जंगली धनिया, जंगली मिर्च के अलावा गौमुख बैंगन, सुई धागा, हाथी पंजा, बालम खीरा, पेपरमेंट, गरुड़, सोन चट्टा, सफेद और काली मूसली, अश्वगंधा जैसी तमाम दुर्लभ औषधियों वाली जड़ी बूटियां हैं। इन विलुप्त होती जड़ी बूटियों को बचाने का उन्हें इतना शौक है कि वे हिमालय से ब्राह्मी ले आए। कमाल है कुशवाहा जी के इस जज्बे को। और आपसे विदा लेने से पहले सबसे जरूरी बात, आज है इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे। अब इस पर तो क्या ही बात करना कि प्लास्टिक एनवायरनमेंट के लिए कितनी खतरनाक है। प्लास्टिक की एक बैग को डीकंपोज्ड होने में यही कोई 500 साल का वक्त लगता है। और जानते हैं हम 1 मिनट में कितनी प्लास्टिक बैग यूज करते हैं? करीब 1 लाख। तो सोचिए क्या हाल होता होगा इस धरती का, समुद्र का। आज का टास्क भी यही है कि जितना भी संभव हो प्लास्टिक बैग का यूज कम से कम करें। छोटी शुरुआत है मगर इस धरती को बचाने के लिए बेहद जरूरी है। तो चलिए आज आपका दिन शुभ हो, इसी के साथ विदा लेती हूँ। नमस्कार।